हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डियर स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीक से मेरे चैनल पर यानी कि डियर स्कॉलर पर आप सभी को मिलने वाले हैं आपके NIS अप्रैल 2025 सेशन के सभी सब्जेक्ट के TMAs के सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री। तो मैं अपने प्रॉमिस के साथ हाजिर हूँ आप सभी के लिए आपकी क्लास 12th के सब्जेक्ट के TMA को लेकर। तो जब पहला सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि चूज़ किया गया है वो है इंग्लिश, जिसका कोड है 302302। तो आप सभी ने इंग्लिश तो जरूर लिया होगा डियर स्टूडेंट, और इसके आंसर के लिए आप परेशान भी होंगे तो फिकर नॉट, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलने वाला है इसका फ्री में सॉल्यूशन। और अगर ऐसा कोई बच्चा है जो कि चाहता है कि ये सॉल्यूशन उसको उसके PDF के फॉर्म में मिल जाए या फिर उसका TMA प्रिपेयर करके अपलोड कर दिया जाए या रिटर्न कर दिया जाए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। आपको वहाँ पर ये सुविधा मिल जाएगी और आपको फिर अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। बाकी आप यहाँ से देख सकते हो सॉल्यूशन एकदम टीचर की टीम ने मिलकर यह सॉल्यूशन तैयार किया है और आपको उसको करने से मिलने वाले हैं पूरे मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आप देख सकते हो यहाँ पर है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड। तो मतलब आपको जो क्वेश्चन है वो उसके आंसर की लिमिट होने वाली है 40 to 60 वर्ड्स पे। यहाँ पर हमने क्वेश्चन बी को चूज किया है। क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी व्हाई डज द एल्डरली मैन बिलीव द यंग क्लर्क वुड बी अ सुटेबल मैनेजर फॉर द होटल बी प्लान्स टू बिल्ड। ठीक है, ओके। तो इसके आंसर को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये है इसका आंसर पे देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो और बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हो। नो डाउट कि आपको पूरे पूरे मार्क्स दिलाने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगेन से 40 से 60 शब्दों की वर्ड लिमिट के साथ, जो कि हमने यहाँ पे चूज किया है क्वेश्चन नंबर बी को। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको इस चैनल पर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है 6 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई ऐसा आपको डाउट नहीं होगा कि आपको पहले यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 क्वेश्चन दिया जाएगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपका इंग्लिश TMA को लेकर जो भी डाउट होगा, आंसर को लेकर जो भी डाउट होगा, यहाँ पे पूरा पूरा सॉल्व होने वाला है, क्योंकि हम लेकर आए आपके लिए 6 क्वेश्चन के पूरे पूरे आंसर। बस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने डाउट को सॉल्व करते जाना। क्वेश्चन नंबर भी आपको देखने को मिल रहा है, कंसीडर राहुल्स रिफ्लेक्शन ऑन हिज ग्रैंडफादर्स केयरफ्री चाइल्डहुड कंपेयर टू द प्रेजेंट, डिस्कस द कल्चरल शिफ्ट इन प्रायोरिटीज एंड वैल्यूज ओवर द जनरेशंस। ठीक है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पर है, आप लिख सकते हो, पूरा पूरा ब्रीफ किया गया है, एक एक जो पॉइंट क्वेश्चन में पूछा गया था उसको यहाँ पे एलिब्रेट किया गया है ताकि आपके मार्क्स जो है पूरे पूरे आपको मिल सके विदाउट एनी डाउट। ओके, मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज अगेन इन लिमिट 40 to 60 वर्ड्स। ओके, सो हियर वी चूज क्वेश्चन नंबर 8 एंड द क्वेश्चन इज, वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म चाइल्ड सर्विट्यूड एंड हाउ डज दिस कॉन्ट्रीब्यूट द डिस्कशन अबाउट द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गर्ल्स डोमेस्टिक लेबर एज अ फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। ओके, तो अगेन से एक एक पॉइंट को यहाँ पे एलिब्रेट किया गया है, आंसर को यहाँ पे बताया गया है, जिसको आप देख के लिख सकते हो। और अगर चाहो तो इसमें आप अपना थोड़ा कुछ भी आप अपने मन से यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पॉइंट है कुछ यहाँ पे मेंशन करने के लिए, तो बिल्कुल आप अपने उस एक्स्ट्रा पॉइंट को भी यहाँ पे लिख सकते हो, आपको नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। अदरवाइज आप चाहते हो कि बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, आंसर देख के लिखना, तो फटाफट यहाँ पे देख के लिख डालो। मैं बिल्कुल धीरे धीरे अपने स्क्रॉल कर रही हूँ स्क्रीन को, ताकि आपको एक एक वर्ड यहाँ पे साफ सुथरा और अच्छे ढंग से लिख सके, ताकि आप उसको आराम से लिख सको। ओके, देखते एकदम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए। 4 हमारा है थोड़ा सा ज़्यादा वर्ड लिमिट के लिए, 100 से 150 शब्दों की वर्ड लिमिट, क्योंकि ये आपका ज़्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, इफ़ यू आर डिजाइनिंग अ न्यू स्पेस प्रॉब टू एक्सप्लोर मार्स फॉर साइन ऑफ लाइफ, व्हाट आर स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट वुड इंक्लूड लेसन। तो वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन है और इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको आप यहाँ पे देखो, तो आप खुद से भी अज्यूम कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, अगर कोई आपको अपना यहाँ पे आंसर ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, बिकॉज ये पूरा का पूरा आपके थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि आप अगर चाहो तो क्या क्या कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो देखो हमारे अकॉर्डिंग जो चीज़ें यहाँ पे हो सकती थी वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख भी सकते हो, कुछ को छोड़ भी सकते हो, बट हम चाहते हैं कि आप यहाँ से एक एक पॉइंट लिखो ताकि आपको मार्क्स बड़े अच्छे मिल सकें। ठीक है, लिखवाना हो तो भी हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको बिल्कुल जेन्युइन सर्विस हमें हमारे यहाँ से मिलने वाली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो 5 आपका अगेन से कितने वर्ड्स के लिए आ गया डियर स्टूडेंट, 100 से 150 शब्दों के लिए। ओके, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का देखने को मिलेगा आंसर। क्वेश्चन क्या, मैं एक बार आपके लिए पढ़ी देती हूँ, हाउ डज द रिजर्वेशन चार्ट एड द होटल स्टाफ इन इफेक्टली मैनेजिंग रूम रिजर्वेशन चेक इन एंड चेकआउट प्रोसीजर्स, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ दिस चार्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ
होटल्स रिजर्वेशन सिस्टम. ओके सो हियर इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, जिसकी लिमिट थी 100 से 150 शब्द, थोड़ा सा ज़्यादा नंबर के लिए क्वेश्चन होने वाला है, तो आपको देखने में लेंथी लग रहा होगा. ओके ओके तो जिस क्वेश्चन का आपको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इसके आंसर आपको जल्दी ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 प्रोजेक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, लिमिट भी ज़्यादा है, 500 शब्दों के लिए है, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा पेज आपका लगने वाला है. और यहाँ पर क्वेश्चन चूज, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट दैट इंश्योर्स एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ जेंडर एथनिसिटी और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हैज अपॉर्चुनिटी टू रिसीव क्वालिटी एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली. दिस राइट एम्पावर्स पीपल, प्रमोट इक्वालिटी एंड फॉस्टर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू नॉलेज एंड स्किल एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ. राइट अ केस स्टडी ऑफ अ गर्ल लेबर और बॉय ऑफ योर लोकैलिटी हु वॉज डिनाइड द राइट टू एजुकेशन. ओके मतलब बहुत ही कह सकते हो कि इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है और इसको आपको ज़रूर से प्रैक्टिकल करना चाहिए, बिकॉज हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे आस पास में इतने कैसे बच्चे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि हमारे जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उससे, जो हमारे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उसका प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं, या फिर उनके जो फंडामेंटल राइट है वहाँ पर वो उनको नहीं दिए जा रहे हैं. क्योंकि एजुकेशन होता है वो हर एक बच्चे का, छोटे बड़े बच्चे सबका अधिकार होता है. तो अगर किसी बच्चे का ये राइट छीना जाता है तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है कि आपको आसपास सर्वे करना है और एक आपको केस स्टडी तैयार करनी है. आप कोई भी हो सकता है, एक लड़का लड़की आपको जिसका भी पता हो उसके बारे में कर सकते हो. हमने यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो, टाइटल दे दिया है, देन इंट्रोडक्शन दे दिया है, देन आपका हिस्ट्री है, बच्ची क्या यहाँ पे नाम रोहिणी आप देख सकते हो, एज है, लोकेशन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड है बच्ची के बारे में. ओके और यहाँ पर सारा कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, ठीक है, आप देख के लिख सकते हो. एंड देन फाइनली आपका जो कंक्लूजन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसको आप देख करके लिख सकते हो, ठीक है. एक्शन प्लान भी मेंशन है कि क्या एक्शन प्लान हो सकते हैं इस चीज़ को रोकने के लिए. ओके सो डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच. ये था आपका पूरा का पूरा TMA इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 6 था. आप इसको देख करके बेझिझक होकर लिख सकते हो एंड ऑल द वेरी बेस्ट. आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और बस बहुत जल्दी हमारे चैनल पे सारे अदर सब्जेक्ट की भी वीडियोस आने वाली है. अगर आपको किसी सब्जेक्ट का अर्जेंसी है TMA के आंसर्स के लिए तो मुझे नीचे कमेंट कर दो, कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उसके TMA के आंसर्स लेकर आकर आपकी हेल्प करने की. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग.